आज से ठीक 6 साल पहले मैं कोडिंग से इंट्रोड्यूस हुआ था जब मैं अपने बीटेक फर्स्ट ईयर में था। अब मुझे 6 साल लग गए इंडिया में एक जॉब लेने के लिए। लेकिन अगर मुझे फिर से यही जर्नी स्टार्ट करने का मौका मिले 2022 में, तो क्या फिर से मुझे इतना ज्यादा टाइम लगेगा? तो मुझे लगता है अब मुझे मैक्सिमम 1 ईयर लगेगा जो भी मैंने पिछले 6 सालों में सीखा है। ऐसा नहीं कि मैंने कंटिन्यूअसली सब कुछ सीखा है। अगर आज रोहित नेगी 2022 पे इन्हीं चीजों को शुरू करता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या क्या थॉट्स होंगे तो देखो। मैं सबसे पहले एक लैंग्वेज सीखूंगा, वो भी सबसे बेस्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। पहले मैं पूरा एक रूट मैप बनाऊंगा कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है, फिर मैं अपनी कोडिंग की जर्नी शुरू करूंगा। Many months later. अबे यार 3 महीने हो गए, अभी तक बेस्ट लैंग्वेज नहीं मिली, क्या करूं? मेरा तो फिक्स है, आजकल चल रहा है ओपन सोर्स। मैं करूंगा ओपन सोर्स, मस्त कोडिंग करूंगा, वहां प्रोजेक्ट बनाऊंगा और बाद में मस्त करोड़ों की रिमोट जॉब छाप लूंगा। बेस्ट बात है। मैं तो करूंगा सीपी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोर्स है, कोड कोर्सेस है, बहुत कूल है यार ये, और इंडिया का एक टॉप मोस्ट पैकेज उठाऊंगा। ये है मेरा पूरा गोल। मेरा तो सिंपल सा बंदा है, मैं सीखूंगा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का जमाना है, सुबह ट्रेडिंग करूंगा, रात को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा, मेरी कोडिंग भी सही और पैसे भी मस्त रखूंगा। ये है मेरा आज का। कोई कुछ भी बोले, जमाना तो सरकारी नौकरी का ही है, इज्जत उनकी है। जॉब सिक्योरिटी नंबर 1, प्राइवेट जॉब में का जम वर्ती कमाल के निकाल दे, सरकारी नौकरी जिंदाबाद। तो आपने देख लिया कि रोहित कितना कंफ्यूज है अगर वो अभी शुरू करता, कहाँ से शुरू करता। लेकिन मैं आज अगर शुरू करूँ, अगर मैं अपने जो रोहित है, जो पुराना है, उसको बता सकूँ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, तो सबसे पहले मैं उसको बोलूँगा कि तुम अपना एक एम डिसाइड करो, एक गोल डिसाइड करो कि तुम्हें कोडिंग करनी क्यों है, इस फील्ड में जाना क्यों है। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई गोल नहीं होता, तब तक हम उसको अचीव करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं होता। तो एक गोल हो, गोल कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकता है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना हो सकता है, फेम हो सकता है, क्योंकि आजकल फेम भी बहुत ज़्यादा मिलता है अगर आप एक अच्छा पैकेज उठा लो तो। वही आपका कुछ भी एम हो सकता है, या फिर आपको खुद को एक इम्प्रूव्ड इंसान बनाना है जो सोच सके, जिसकी इंसान तारीफ करे, इंटेलिजेंट पर्सन बनाना है, तो आपका एम कुछ भी हो सकता है। तो वो एम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तब आप शुरू करें। जब आपने अपना एम डिसाइड कर लिया तो इस एम को रोज याद रखें, या तो अपने फोन के वॉलपेपर में लगा दें कि हाँ ये मेरा एम है, इसलिए मुझे कोडिंग सीखना है। क्योंकि पूरा गेम ही मेरा कंसिस्टेंसी का है, अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जैसे मुझे 1 साल की जगह 6 साल लगे क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। मैंने अपनी जो 6 साल की जर्नी है, अगर मैं उसको ब्रीफ वे में बताऊं आपको कि मैंने क्या क्या गलतियां करी उसमें, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था 2016 में, तो उस टाइम पे हमारे सेमेस्टर में सबसे पहले हमें सी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस कराए गए। तो मैं सोच चुका था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया था। जब मैंने उनके सिंटैक्स देखे, जैसे हैश एंड ग्रुप स्टूडियो, मतलब अजीब अजीब से सिंटैक्स, जब आदमी पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, तो मैं वही बताना चाहता हूँ, जब भी कोई आप भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस होंगे इस फील्ड में, आपको भी लगेगा ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन आपको ऐसा थॉट नहीं लाना है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बार, तो दिक्कतें आती हैं, सबको आती हैं, मुझे भी आएंगी। आज भी अगर मैं कोई नया टॉपिक पढ़ूं तो उसमें मुझे दिक्कतें आएंगी, लेकिन मैं वही कि उन दिक्कतों को मुझे थोड़ा वो करना है, पोस्टपोन करना है, या फिर उनको टालते रहना है कि हाँ एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये दिक्कतें आनी है मुझे। जब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये 15-20 दिन मुझे दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें आराम से अपनी जगह पर फिट हो जाएंगी। तो मैंने फर्स्ट ईयर में सी पढ़ी थी सबसे पहली बार। तो जब मैंने सी पढ़ लिया तो मैंने सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम पास होने के लिए पढ़ा, यही था पूरा ट्रुथ। दिक्कत आती थी, कुछ नहीं आता था मुझे, मतलब एक टेबल का प्रोग्राम बनाना नहीं आता था फर्स्ट ईयर पे, इतना कमजोर था। फिर मैं सेकंड ईयर में आया, सेकंड ईयर में नए नए सब्जेक्ट आए, डेटा स्ट्रक्चर आया था, एल्गोरिथम आया था, वो भी मैंने सिर्फ इसलिए पढ़े कि मैं सेमेस्टर एग्जाम पास कर सकूं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, और उसमें शायद C++ भी आया था, ऊप्स भी आए थे, तो वो सिर्फ मैंने सेमेस्टर एग्जाम पास करने के लिए पढ़े और मैं पास हो गया, सेकंड ईयर खत्म हो गया। थर्ड ईयर फिर भी वही, थोड़ी बहुत जावा वगैरह थी आई थी, वो तो मुझे पता भी नहीं, मुझे आज भी याद नहीं कि मैंने कभी जावा पढ़ी भी थी जिंदगी में नहीं, वो भी ऐसे ही निकाल दिया, 2-4 प्रोग्राम रट के वही लिख के आ गए पेपर में, और टीचर भी पास कर देते हैं। फिर फाइनल ईयर में मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कोडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, तो मैंने गेट की प्रिपरेशन शुरू करी, तो उस पर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम था, तो मैंने वहाँ वो टॉपिक पढ़ लिया अच्छे से।
फिर जब मैं गेट क्रैकर के आईडी गया तब मुझे पता चला कि एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है पढ़ने का। मतलब पिछला जो मैं पढ़ रहा था टाइम पास के लिए पढ़ रहा था, फिर मैंने अपनी कोडिंग जर्नी शुरू करी, फिर मैंने जो सबसे पहले मैंने गीक्स फॉर गीक्स में सबसे पहली बार कोड लिखा जब मैं एमटेक पे गया, फिर मैंने लीड कोड देखा, मैंने इंटरव्यू भी देखा, वहां कोड लिखे, फिर मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम किए, इस तरीके से मैं आगे बढ़ा। लेकिन बीते हुए मैंने कुछ ना तो मैंने प्रोजेक्ट बनाए ना कुछ बनाए, लास्ट के 1.5 साल में ही मैंने जो भी करा पूरा उसी में करा, फिर वहां से मुझे प्लेसमेंट मिला। तो अगर मुझे रोहित को बताना पड़े कि भाई अब तू कैसे स्टार्ट करेगा, तो मैं पहले उसको बोल दिया है तो अपना एम डिसाइड कर ले, एम उसका डिसाइड हो चुका है, अब उसको बोलूंगा तू कोई एक लैंग्वेज पकड़, कौन सी लैंग्वेज पकड़। मैं अगर आज भी अगर लोग कहेंगे कि नई नई लैंग्वेज सीखो, यूजर फ्रेंडली सीखो, नहीं, अगर जब आप 12 से नीचे है तब आप पाइथन वगैरह सीख लो, जब क्लास 12 11 10 9 हो तब आप पाइथन सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बीटेक या फिर बीएससी बीसीए कोई भी कर रहे हैं तब आप पाइथन की पहली आपकी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तब आपकी पहली लैंग्वेज या तो सी हो या सी प्लस प्लस हो, इनमें से एक हो। जब आप इस लैंग्वेज को सीखेंगे तो मैं उसको बोलूंगा तो इस लैंग्वेज को सीख, अच्छे से सीख, पूरा डेप्थ में सीख। ओके, पहले इनके सिंटैक्स से फैमिलियर हो। सिंटैक्स सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कंप्यूटर होता है उसको वही लैंग्वेज समझ में आती है, तो उसके सिंटैक्स से फैमिलियर होना है। दूसरा, थोड़ा एक प्रोग्रामर की तरह सोचना है कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। ओके, मतलब अगर मुझे टेबल का प्रोग्राम बनाना है तो मुझे सोचना आना चाहिए मैं टेबल का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर पाऊं इन सिंटैक्स की हेल्प से, इतना मुझे आना चाहिए। तो अगर मैं बेसिक प्रोग्राम जैसे टेबल का प्रोग्राम हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, अगर मैं छोटी छोटी चीजों को अगर सॉल्व कर पा रहा हूं तो हाँ मैं समझ जाऊंगा कि मैं सी प्लस प्लस या फिर इस लैंग्वेज से मैं फैमिलियर हो चुका हूं। उसके बाद सेकंड मैं किस पे जंप करूंगा, मैं बोलूंगा अब तुम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को अपने थोड़ा मजबूत करो, क्योंकि ऊप्स ना हमारे उस कंपनीज वगैरह में काफी पूछा जाता है, जो अगर अभी इंडस्ट्री अगर आओगे तो वहां काफी पूछा जाता है, वहां काफी यूज होगा। तो मैं उनका ऊप्स के कॉन्सेप्ट अच्छे करो, लिखो, देखो क्लास कैसे काम करती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने से ये पूछो कि ये कर क्यों रहे, अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, ऊप्स क्यों पढ़ रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन पहले पूछो। आधे से ज्यादा आंसर आपको तभी मिल जाएंगे कि हमें ऊप्स पढ़ना क्यों, जब आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये टॉपिक पढ़ना क्यों, तो आधे से ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाएंगे अपना। जब मैं इन चीजों से फैमिलियर हो जाऊंगा एक लैंग्वेज से सी सी प्लस प्लस, तब मैं उसको बोलूंगा कि यार डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, क्यों पढ़ना है, मोटिवेशन क्यों है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है, देखो यार हाँ प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा कुछ और मोटिवेशन है यार, मतलब सीखना कि हाँ ये टॉपिक मैं यूज कर रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इसलिए यूज करते हैं। मान लो मुझे कोई भी काम करना है अगर उसे फास्ट वे में कराना है, जैसे कि मैं जैसे अपना कोई मैसेज भेजता हूँ, मतलब मैंने गूगल को कोई मैसेज भेजा, अगर गूगल उसका रिप्लाई मुझे एक घंटे में करता है तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब हो जाएगा। मतलब आपने गूगल में कुछ भी सर्च करा कि मुझे बताओ एम एस धोनी कहाँ रहते हैं, और उसका रिप्लाई आने में एक घंटा लग जाता है तो आपका पूरा यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो उसी की प्रोसेसिंग कि बैकएंड में क्या क्या काम हो रहा है, सर्वर पे कितनी जल्दी उस रिक्वेस्ट को लिया जा रहा है, कितनी जल्दी उसका रिस्पांस मिल रहा है, आजकल तो एक सेकंड के अंदर पूरा रिस्पांस मिल जाता है। तो इसलिए वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का यूज होता है कि मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करूँ, कौन सा एल्गोरिथम यूज करूँ, किस तरीके से मैपिंग करूँ कि जल्दी से जल्दी मैं आंसर दे पाऊँ आपका। इसलिए डीएसए पढ़ना जरूरी है, इससे जो कंपनीज है उनको भी काफी फायदा होता है, उनका जो सर्वर की कॉस्ट होती है वो काफी कम हो जाती है, तो कंपनी का फायदा है तो आपका भी फायदा है, इसलिए वो डीएसए के ऊपर काफी ध्यान देते हैं। अब वो पूछेगा यार रिसोर्सेज कौन से फॉलो करूं मैं, हमें बोलूंगा यार रिसोर्सेज तो अपने हिसाब से फॉलो कर ले, जो भी चीजें करनी है थोड़ा खुद से एफर्ट मारो यार, मतलब हर चीज के लिए रोड मैप ढूंढने की जरूरत नहीं है, एफर्ट मारो कि ये टॉपिक पढ़ लो, देखो हाँ ये बंदा कैसे पढ़ा रहा, आपने पढ़ लिया उसको पूरी तरीके से उस बंदे को फॉलो करो जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, इन डेप्थ पूरा फॉलो करो। हाँ अगर कहीं पे दिक्कत आती है किसी टॉपिक पे तब आप दूसरे बंदे के पास जाओ कि हाँ मैं इसकी वीडियो देख लेता हूँ, यहाँ से अगर मुझे दिक्कत आती है तो इस बंदे से देख लेता हूँ कि इसने किस तरीके से पढ़ाया उस टॉपिक को। तो इस तरीके से मैं डीएसए को पूरा कंप्लीट करूंगा। अब ये नहीं कि मैं पहले पूरा डीएसए कंप्लीट करूँ उसके बाद मैं कुछ और आगे बढ़ूँ, उसके साथ ही मैं उसको बोलूंगा कि तू अपना एक डोमेन चुन जिस पर तुझे काम करना है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना ही होगा, हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने ही है वो अपने फायदे के लिए, क्योंकि खुद मैंने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया था जो पूरे बीटेक के टाइम पे, इसलिए मुझे थोड़ा रिग्रेट है कि मैंने वो वाला टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट किया। तो मैं बोलूंगा कि यार तू एक प्रोजेक्ट अपना एक डोमेन चुन जिसमें तू काम करना चाहता है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है, डेटा साइंस हो सकता है, एंड्रॉइड हो सकता है, AI ML हो सकता है, ब्लॉकचेन हो सकता है, इतने सारी फील्ड है, एक को अपना एक अपनी नीच बना कि मैं इसके ऊपर काम करूंगा और जाऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं सब कुछ करने जा रहा हूँ, मैं डेटा साइंस भी पढ़ रहा हूँ, ML AI भी पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ रहा हूँ और अच्छा किसी में भी नहीं हो रहा हूँ, एक को पकड़ और उसे निचोड़ दे अच्छे से। अब ये आता है क्वेश्चन कि मुझे कैसे पता कि मैं किस में अच्छा हूँ, तो पहले उन टॉपिक के बारे में सर्च करना शुरू करो और देखो कि वो
टॉपिक तुम्हें क्या एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये देखो कि यार अगर MLAI यूज कर रहा हूँ तो उसके यूज केसेस क्या है, क्या वो यूज केसेस मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये काफी फैसिलिटिंग ये चीजें, तो आप उस टेक्नोलॉजी के पीछे जा सकते हो। तो वही आपका मोटिव होना चाहिए, वही मेरा मोटिव था होगा कि अगर मुझे कोई भी चीज चुनना है तो पहले मुझे यूज केस पता होना चाहिए ताकि मैं उसके पीछे भाग सकूं। कभी भी कोई भी टॉपिक फोमो के चक्कर में बिल्कुल भी मत जाना कि आजकल लोग ब्लॉकचेन के पीछे भाग रहे हैं सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो। ओके, पहले आप देखो कि क्या आपको रियल में इंटरेस्ट है या जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी रेलिवेंट है। तो मैं वही रोहित को कहूंगा कि तुम अपना एक नीच चुन लो और उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उस पर कोडिंग करना शुरू करो। तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो जो भी लैंग्वेज है, जो जो भी फ्रेमवर्क है, जो भी रिक्वायर्ड है, उनको अच्छे से सीखो, उनको इन डेप्थ सीखो, उनके कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से क्लियर करो, अपने नोट्स खुद से बनाओ, DSA के नोट्स भी, प्रोजेक्ट के नोट्स भी, और प्रोजेक्ट बनाते जाओ। प्रोजेक्ट बनाने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ऐसा नहीं कि मुझे 2-4 साल लग जाएंगे प्रोजेक्ट बनाने में, 1-2 महीने लगेंगे अगर मैं स्टार्ट करूँ। स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगे 2-3 महीने, लेकिन एक बार एक प्रोजेक्ट बन गया उसके बाद ऐसा होगा कि फटाफट कोई भी अगर मेरा दिमाग में आइडिया आता प्रोजेक्ट बनाने का तो मैं वो बना पाऊंगा। जब उसने DSA कर लिया तो मैं बोलूंगा इनकी प्रैक्टिस कर, नोट्स तूने बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस कर। कहाँ से कर? दो टाइप की कर सकते, या तो DSA की प्रैक्टिस कर या फिर कंप्यूटेटिव प्रोग्रामिंग के पीछे जाओ, पर कर पक्का। तो अगर मुझे सिंपल DSA करना है तो मैं गीक्स हो गया, लीड टू कोड हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, इनसे कर। अगर मुझे CP के और जाना है, अगर मुझे अपना लेवल थोड़ा एडवांस और करना है तो मैं कहूँगा कोर्सेस एडवांस, मतलब कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है CP में इसलिए मैं करना चाहता हूँ। हाँ, ऑनलाइन असेसमेंट में जो कंपनी के होते हैं वहाँ भी CP पूछी जाती है, सब भी नहीं, पर अगर आपने DSA अच्छे से कर लिया तो आप वो वाले क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप CP भी कर सकते हैं, लेकिन उनको भी आप टॉपिक वाइज ही करना, ऐसे नहीं कि आप रेंडम उठा रहे क्वेश्चन, पहले एरे फिर स्ट्रिंग, इस तरीके से मैं बोलूंगा कि तुमको क्वेश्चन करने। मैं इस वाले रोहित को पक्का कहूंगा कि तू हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर, वो बहुत जरूरी है, उससे मैं सीखूंगा कि हाँ अलग अलग क्या क्या टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है, मैं किस तरीके से कोई एक इम्प्रूव डेवलपर बना सकता हूँ। तो मैं इसको बोलूंगा हाँ इसको जा थोड़ा हैकाथॉन में प्रैक्टिस कर, थोड़ी कंपटीशन की थोड़ी फीलिंग आएगी कि हाँ मैं कम्पीट कर रहा हूँ, और रिवॉर्ड वगैरह भी मिलते ही है वहाँ से, थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिलता है, नहीं भी मिला तो एक्सपीरियंस तो कम से कम एटलीस्ट गेन कर लूंगा उन चीज़ों से। अगला मैं उसको कहूँगा कि तुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज में ध्यान देना पड़ेगा अगर अच्छा कोडर बनना है, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे पता होनी चाहिए यार अगर मैं कोई डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो उसके पीछे की जो नेटवर्किंग है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ओके किस तरीके से मैसेज जा रहा है आ रहा है उसका मुझे पता होना चाहिए, कैसे जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए मुझे, जो जिस OS में मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे अच्छे से उसकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, DBMS की नॉलेज होनी चाहिए, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी मैं डेटा बेस यूज करने वाला हूँ MongoDB कर सकता हूँ, MySQL कर सकता हूँ, Oracle का कर सकता हूँ, उनकी मुझे नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मुझे ये चीजें सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और मैं कहूंगा कि अब इतना सब कुछ सीख लिया है तो थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन भी सीख लो, क्योंकि यही सब पार्ट भी एक कोडर को बनने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं कि हाँ मुझे पता होना चाहिए एक सिस्टम को डिजाइन कैसे करते हैं, किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं इस तरीके से ही वो सारी चीजें शुरू करता अगर आज मैं फिर से अपनी कोडिंग जर्नी शुरू कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ये चीजें नहीं करनी, जो आपको अच्छा लगता है आपको वो करना है, पर उसे करते रहें, कंसिस्टेंट रहें, जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसके ऊपर स्टिक रहें, मतलब ऐसा नहीं कि आज आप इधर जंप कर रहे हैं उधर जंप कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा बने रहें। जब भी डाउन फील करें यार इस कोडिंग जर्नी के अंदर ना, मैं उसको भी बोलूंगा रोहित को कि यार तुम्हें बहुत डाउन दिखेंगे, किसी दिन लगेगा यार क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपको लगेगा यार डेवलपमेंट मिल नहीं है, लेकिन हार नहीं माननी यार, बिल्कुल हार नहीं माननी। अगर हमने हार मान दी तो सब कुछ जो भी हमने सीखा है वो बैक टू जीरो हो जाएगा। इसलिए चलते जाना है, खुद को पुश करते जाना है, चलते जाना है, तभी हम एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। तो आप मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को पक्का लाइक करना, 1 लाइक कर दो आपका तगड़ा प्लेसमेंट। ओके, मैं लाइक कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का पूछें, तो मैं उसका आंसर हमेशा आपको देता हूँ। कुछ भी डाउट हो, माइनर डाउट हो, वो भी पूछ लें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आप मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को पक्का लाइक करना, 1 लाइक कर दो आपका तगड़ा प्लेसमेंट। ओके, मैं लाइक कर रहा हूँ।